मैं आज आपके सामने जो आपने देखा होगा मटियाला विधानसभा के विधायक श्रीमान गुलाब सिंह यादव जी, पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आम आदमी पार्टी के विधायक की आम आदमी पार्टी की टिकट के ऊपर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो पिटाई हुई दोनों तरफ से हाथ पैर चले, और उसके बाद में गुलाब सिंह यादव जी ने और आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है और हमने टिकट के कोई भी पैसे नहीं लिए थे। मैं आपको वो जो व्यक्ति था उनका कार्यकर्ता जो टिकट के जिसने पैसे दिए थे सुमित शौकीन, और गुलाब सिंह यादव जी का बेटा जिसका नाम है गौरव, उनके आपस की पैसों की एक आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं, और हम ये रिकॉर्डिंग पुलिस को देंगे ताकि वो इसकी फॉरेंसिक जांच कराए, जिसमें सबसे पहले जो आपको आवाज सुनाई देगी वो जो एमएलए है गुलाब सिंह उसके बेटे की आवाज है, और वो उसमें पैसे की एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, और गुलाब सिंह का बेटा गौरव ये कह रहा है कि हमने आपके पैसे की एंट्री दर्ज कर ली है, यानी कि एक दो टिकट का मामला नहीं है, वो एंट्री दर्ज कर रहे हैं। एंट्री तब आपको दर्ज करनी होती है जब बहुत सारी टिकट को आपको लेन देन चल रहा हो और आपको हिसाब किताब रखना पड़ रहा है। खाली गुलाब सिंह यादव का टिकट का मामला नहीं था, तो आप ये रिकॉर्डिंग सुने। क्योंकि ये हरियाणवी में बात कर रहे हैं हमारे गांव की भाषा में, क्योंकि वो सीट हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में नजफगढ़ जिले के पास में हमारी मटियाला विधानसभा के एक अपना गांव के व्यक्ति हैं सब, तो आपको शायद वो पूरे से समझ नहीं आ रहा होगा। हम आपको ऑडियो क्लिपिंग आपको भेज देंगे, आप उसको अच्छे से सुन सकते हैं। अजय सहरावत जी इस भाषा को बहुत अच्छे से बोलते भी हैं और बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इसमें जो सुमित शौकीन है जिसने ये आरोप लगाया था कि मैंने 1 करोड़ रुपया गुलाब सिंह यादव को दिया, वो गुलाब सिंह यादव के बेटे गौरव से ये कह रहा है कि आपने जो मुझे पैसे वापस किए हैं वो पहले तो 50 लाख वापस किए थे, उसके बाद में आपने जो कहा था कि मैं 30 लाख वापस कर रहा हूँ वो 30 नहीं है वो 29 लाख है। तो गौरव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर तो आपकी एंट्री 30 की दर्ज है, 1 करोड़ रुपया दिया था। उस वीडियो में भी जब आपने वो पिटाई का वीडियो देखा था उसमें भी आप देख रहे थे कि सुमित शौकीन कह रहा था कि अभी तक जो मैंने 1 करोड़ दिए थे उसमें 5 लाख अभी भी इसी के पास है, अभी तक इसने वापस नहीं किए।
आपको ध्यान होगा कि जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही मुख्यमंत्री बनने से पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में, तो उन्होंने अरुण जेटली जी के ऊपर में भी ऐसे झूठे आरोप लगाए और नितिन गडकरी जी के ऊपर में भी जब आरोप लगाए थे तो हमारे नेताओं ने डिफेमेशन केस फाइल किया और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने सबके घर जा जाकर सबके पैरों में लेटकर माफी मांगी थी कि मैं अपने केस वापस ले रहा हूं। आप सत्ता में आने से पहले आरोप लगा दें, सत्ता में आने के बाद में माफी मांग लें। अगर गुलाब सिंह यादव ने पैसे नहीं लिए तो अभी तक उसने इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में डिफेमेशन केस क्यों नहीं फाइल किया? ये छोटा आरोप नहीं है, वीडियो आया था, सबने देखा था। इसलिए हम आम आदमी पार्टी से ये मांग करते हैं कि आप ऐसे विधायक को जो एक नहीं कई सीटों पर ले रहा है पैसे, आप उसको बर्खास्त करें।